वर्ल्ड की कंपनी को रैंकिंग करती है टर्नओवर के हिसाब से, और उस रैंकिंग में दुनिया के 100 कंपनी में इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही कंपनी है और वो वेस्टिज है, और हम प्राउड फील करते हैं कि वेस्टिज में है और इंडिया में नंबर 1 पे है और वर्ल्ड पे 30 नंबर पे वेस्टिज हमारी चल रही है। तो मैं अपने बारे में कुछ बातें बताया और कुछ मैं चाहूँगा कि मैंने क्या किया इस कंपनी में यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी तो मैं सिर्फ 31 लाख कमाया हूँ, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि आने वाले समय में 31 लाख रुपया मेरा हर महीने का इनकम होना चाहिए। कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, अगर यहाँ 10-20 लाख महीना नहीं कमाया तो फिर नेटवर्किंग क्यों किया। हाँ, थोड़ा लंबा टाइम लगा है, कुछ लोग जल्दी अचीव करते हैं, कुछ लोग देर से अचीव करते हैं, लेकिन अचीवमेंट पक्की है। मैंने अचीवर अपने टीम में बहुत सारे निकाले हैं, ये बहुत प्राउड फील होता है। मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कार अचीव कर चुके हैं और BMW बुक की तैयारी कर रहे हैं। मेरे टीम में BMW कार भी आने वाली है बहुत जल्द, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे टीम में आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ नहीं किया, एक काम जरूर किया कि अपने सीनियर की अपलाइन की बहुत बात माना, और अपलाइन की गाइड में रहना ही कामयाबी है, समझदारी है। आपका अपलाइन कैसा भी हो, आप उनकी बात को हमेशा माने। अपलाइन ने आपको बिजनेस ला के दे दिया, आप उससे शुक्रगुजार हो जाइए, और साथ साथ उनसे जो आपको सपोर्ट मिलता है मिले, और उसका आपका यह बिजनेस है आपको सपोर्ट में उनके रहिए, सीखिए और आगे बढ़िए, और उनके साथ में हमेशा अच्छे व्यवहार के साथ में रहिए। कुछ ऊंच नीच होता है उसको बीच को बात को हटा करके सिर्फ और सिर्फ अपलाइन की सपोर्ट कीजिए, अपलाइन की सपोर्ट में रहिए, अपलाइन की तारीफ कीजिए। यहाँ पर एडिफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा अपलाइन की कंपनी की प्रोडक्ट की डाउनलाइन की हर चीज़ की तारीफ करना होगा। मैंने अपनी हद तक कोशिश किया कि मैं कभी किसी की बुराई ना करूँ, हमेशा तारीफ करता रहा, एडिफिकेशन में लगा रहा, और कंपनी का जो कामयाबी का जो सूत्र है उस कंपनी में मेरे पास अभी एक सबसे बड़ा टूल्स है वेस्टिज का कामयाब होने के लिए, वो आपके पास में जरूर होना चाहिए, कार बुक। कंपनी का ये कार बुक है, और पीछे अपने दे सकते हैं, पूरा टूल्स भरे पड़े हैं मेरे बैग पीछे में, प्रोडक्ट के पीछे में। ये कार बुक जो है आप लेकर के जरूर जाए। हमारे सिद्धार्थ सिंह सीनियर हमारे जो अपलाइन हैं उनका कहना है कि जब भी आप प्लान दिखाएं तो आपके पास में कार बुक होना चाहिए। हमारी कंपनी में कार बुक दो तरह के हैं, ये तो पुराने वाले कार बुक हैं, नया कार बुक भी लॉन्च हो चुका है, लगभग 1700 रुपये का है। उस कार बुक में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कार्स हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर, और इस कार में भी वो सब कार हैं, लेकिन बहुत सारे कार भी हैं। इसमें कार अचीवर्स के फोटो भरे हैं। जिन लोगों के पास में ये कार बुक नहीं है वो कार बुक जरूर लेके जाएं। आज जिन लोग पहली बार देख रहे हैं उस कार बुक को देख लें, और इस कंपनी का कुछ मैगजीन आते हैं, ये कंपनी का वॉइस मैगजीन है, ये मैगजीन मेरे पास में आया। मैं हर महीना का जितना हर तीन महीने में चार महीने में मैगजीन आते हैं, और मैं हर हमेशा मैगजीन लेता हूँ, और ये स्पेशली इस मैगजीन को मैं हमेशा शुरू से रखते आ रहा हूँ। जब मैं डायमंड बना था तो डायमंड में मेरा फोटो छपा था, यहाँ पर मैं हूँ, आप देख सकते हैं मुझे, मैं गुलाम रब्बानी इस जगह पर, और यहाँ पर मेरी फ़ोटो छपी थी, और ये मैगजीन पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में, हर जगह गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी, फेसबुक पर बधाइयाँ दी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक कंपनी के मैगजीन में, जहाँ पर इस कंपनी में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और कुछ हज़ार लोगों का फोटो छपता है, उस फोटो में मेरा भी फोटो छपा है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं कुछ अच्छी जगह पर हूँ और मेरी पहचान बन रही है। आज फेसबुक के माध्यम से मैंने काफ़ी दोस्ती यारी की, और फेसबुक के माध्यम से मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे ऐसे आए कि मैं फेसबुक के माध्यम से उनकी ज्वाइनिंग कराया। मैं फेसबुक में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, मैं एक यूट्यूब में भी काफ़ी एक्टिव, अभी एक साल पहले से मैं यूट्यूब में लगातार वीडियो बना पा रहा हूँ, और मैं हर दिन 1-2 वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी कुछ लोग अगर जानते हैं देख सकते हैं, गुलाम रब्बानी नाम से, गुलाम रब्बानी वेस्टिज आप क्लिक करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल, और वहाँ पर आप मेरे वीडियोज देख सकते हैं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग अपने यूट्यूब पर डालता रहता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा चैनल का नाम गुलाम रब्बानी वेस्टिज ट्रेनर, वहाँ पर जाकर के आप मेरी जानकारी, मेरे मैं जो वीडियो डालता हूँ ट्रेनिंग के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखा है, उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। काफ़ी नए नए लोग मुझे फ़ोन करते हैं, और जो लोग वेस्टिज जानना चाहते हैं तो उसको मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप भी, मैं ट्रेनिंग के तौर पर बताना चाहता हूँ कि आप भी अपना, अगर हो सके तो कुछ वीडियो वगैरह भी अपना अपलोड कीजिए, और फेसबुक वगैरह पर आप कम से कम सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग सोशल मीडिया में अपनी टाइम बर्बाद करते हैं, फेसबुक पर टाइम बर्बाद करते हैं, और हम लोग सोशल मीडिया से और फेसबुक वगैरह से, यूट्यूब से पैसे बनाते हैं। तो वहाँ पर जितना ज़्यादा आप वीडियो डालेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, और आपके फेसबुक पर जितना ज़्यादा आप पोस्ट डालेंगे तो आपके नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, और उसमें से कुछ कुछ लोग आपको आएंगे। फेसबुक के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत बड़ा टीम तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सब लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आपको फेसबुक के माध्यम से आएंगे, लेकिन यहाँ पर रेशियो काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज। 100 आदमी को अगर आप प्लान बता रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, या फिर तो आपको 100 में से 10 लोग ही हो सकता सुनेंगे, और हो सकता है सिर्फ 1 या 2 आदमी ज्वाइन करेंगे, तो इसमें रेशियो कम आता है, लेकिन रेशियो काम करते करते भी एक दिन बहुत बड़ा टीम बन जाता है। और हमारी किताब को मैं बहुत पहले पढ़ा था, आप लोग पढ़ते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, मिस्टर एलन पीस की किताब है, क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। मैं उस किताब को कई बार पढ़ा था, वहाँ पर भी लिखा था कि 100 लोगों का प्लान दिखाते हैं तो 10 लोग ही मुश्किल से ज्वाइन करते हैं,
तो आपको रेशियो में काम करना पड़ेगा। 90 लोग इनकार कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, नहीं करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो आपको दिक्कत देने का नहीं। 10 लोग अगर आए हैं तो 10 लोग को आप फिर 10 लोग से करते करते 20, 30, 40, 50 करते करते टीम बनना शुरू होगा। जब आपकी 100 की टीम बन जाएगी तो फिर आपको ख्याल ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि 100 आदमी में से 100 आदमी काम नहीं करते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 10 आदमी ही काम करने वाले या यूजर मिलेंगे। वहाँ फिर टीम बनने के बाद ही 90% लोग छोड़ते हैं। ये भी आपको शुरू से आपको तैयार रहेंगे इसके लिए, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। और ये मैं पहले से तैयार रहता था, मेरे काफ़ी लोग मुझसे ज्वाइन करने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, सामान नहीं लेते हैं, टीम में नहीं काम करते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, उसके बाद मुझे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो है, ये इंटरनेशनल और यूनिवर्सल रेशियो है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको हर लोग आपके साथ सपोर्ट में जितना भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हर कोई को बड़ा सोच नहीं होता है, तो सोच का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं कामयाब होने के लिए कंपनी में कुछ कंपनी का जो बेसिक रूल है उसको मैं जरूर फॉलो किया, शुरू से किया, ये काम को मैंने कम्प्लीटली किया। आज भी मैं जितना कंपनी का फॉलो सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और इसी सिस्टम से मैं आगे बढ़ा। पहला कंपनी का सिस्टम है 7 बेसिक रूल्स, कंपनी का जो है 7 बेसिक्स जो कंपनी हमारे वेस्टिज का है उसको मैं फॉलो किया। गौतम वाली सर का DVD CD आता था उस ज़माने में, मैंने लिया था उसको, 7 बेसिक्स को मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करता था और अपने टीम में सिखाता भी था कि भाई कुछ भी नया दिमाग मत लगाओ, अपना कुछ भी मत करो, 7 बेसिक को लेकर पकड़ लो, आप कामयाब हो जाओगे और आपके टीम में भी डुप्लीकेट तैयार होगा। आप हमेशा नया नया चीज़ करेंगे तो आप फंसेगा, आपका टीम काम नहीं कर पाएगा, डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी है। तो मैं ट्रेनिंग के तौर पर बता रहा हूँ कि आप 7 बेसिक्स को जरूर, गौतम वाली साहब का CD आप तो नहीं आता, आप YouTube पर उनका वीडियो को देख सकते हैं, 7 बेसिक्स कंपनी का आप वीडियो में आप देख सकते हैं, उनके कंपनी का NDS नाम से या कंपनी का ट्रेनिंग गौतम वाली साहब का, उसमें 7 बेसिक्स को बताते हैं। वो पहला बेसिक्स में क्या है, यूज़ द प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और 100% यूज़ कीजिए। ऐसे मैं वेस्टिज वालों को देखता हूँ कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं बाहर का और वेस्टिज से इनकम खोजते हैं, ये तो बहुत गलत है। मैं कंप्लीटली जब से 8 साल से इस कंपनी में हूँ, आज तक मैं बाहर का कोई भी ब्रांड का साबुन, तेल, पेस्ट कुछ भी यूज नहीं किया हूँ। मेरे लिए लगता है मुझे मैं पाप है अगर कोई सामान बाहर का छूता हूँ, तो मुझे कम्प्लीटली इसका अपनी कंपनी का, मैं इसको अपनी कंपनी मानता हूँ, मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट को मैं प्यार करता हूँ। ये मतलब कंपनी गौतम वाली की नहीं, कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ, अपने आप को पार्टनर मानता हूँ इस कंपनी के, चूंकि मेरा प्रोडक्ट है, ये कितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है, अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो कम्प्लीटली मैं शुरू से इसका यूज़र रहा हूँ, हमेशा मेरे घर में 10-12 हज़ार के सामान एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो 10-12 हज़ार का सामान मेरे पास में हमेशा एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि अगर सामान अगर नहीं रहेगा तो मैं अचानक किसी को नहीं बता सकता हूँ। मेरे पास ये प्रोडक्ट को देख करके भी बाकी लोग मोटिवेट होते हैं, मेरे घर में जो भी लोग आते हैं, ये मेरा रूम है, ये बाहर का मेहमान खाना बोलते हैं इसको, ड्राइंग रूम कहते हैं, और यहीं पर लोग आते हैं, तो जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो उनको सबसे पहले वेस्टिज के प्रोडक्ट दिखते हैं, वेस्टिज का प्रोडक्ट देखने साथ में मेरा आधा काम हो जाता है। आपके घर में भी ऐसी होना चाहिए, रूम डिस्प्ले होना चाहिए, आपके घर में जो भी एंटर करें तो सबसे पहले घर के बाहर में भी आपका वेस्टिज अगर लिखा हो तो अच्छी बात है। मैंने घर के बाहर भी वेस्टिज लिखा रखा है, बड़ा सा बोर्ड बाहर में वेस्टिज गुलाम का पानी लिखा हुआ है, और घर में एंटर करने के साथ में वेस्टिज के बारे में सब कुछ दिखता है लोगों को, तो मेरा आधा काम यहीं पर हो जाता है। उसके बाद फिर सामने वाला पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक अच्छा यूजर के घर में आ चुका है वो। मेरे घर में सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, 100% यूजर बनना होगा आपको। जो सामान बाहर में, जो वेस्टिज में नहीं है आप तो बाहर से ले सकते हैं, लेकिन जो वेस्टिज में है आपको सस्ता